हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मखाने की स्मूदी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मखाना बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, जिसे हमें किसी न किसी रूप में अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं मखाने की स्मूदी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए एक कटोरी भर के मखाना। यहाँ पे मैंने खजूर यानी कि डेट्स 8 से 10 भिगा के रख लिए, क्योंकि इसे पीसने में कभी कभी ये अच्छे से नहीं पीस जाता है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सोक करके रख लिया है बीज निकाल के। और एक स्मूदी टेक्सचर देने के लिए एक बनाना ले लिया है और 5-6 बादाम, एक बड़ा ग्लास दूध और थोड़े से आइस क्यूब्स। चलिए इन सारी चीज़ों को हम एक मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। बनाना, आलमंड, आइस क्यूब्स, पहले हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। इसे अच्छे से ग्राइंड करें। और ये तैयार हो गई हमारी स्मूदी। चलिए अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। ये लीजिए, आप सब ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसी लगी। ये बहुत ही हेल्दी है और इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर है, सो प्लीज ट्राई इट। तो ये तैयार हो गई हमारी हेल्दी स्मूदी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और हाँ, मुझे बताना मत भूलिएगा कि कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने